हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है. नहीं 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 द फर्स्ट एवर ड्रामा आइकॉन अवार्ड्स 2023 जो कि ऑथेंटिक है, एक्सेप्शनल है और अनबायस्ड है. और ये क्या है वो आज हम आपको बताएंगे. और जैसा कि आप जानते हैं कि एक साल से आपका हमारा साथ रहा. और एक बड़ी खास बात बता दूं सबसे पहले प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले कि आज हमारी एपिसोड नंबर 99 है और हम 100 एपिसोड की रिकॉर्डिंग भी करेंगे. Well done, क्या ड्रामा है टीम. जी आप सबको मुबारक हो. और उसके बाद जब इतनी खास चीज हो रही है तो अब साल के जो रिजल्ट्स हैं वो कंपाइल हो चुके हैं. और मैं ये बताता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान में एक वक्त में तकरीबन 38 से 40 करीब ड्रामास ऑन एयर होते हैं. और अगर सहमाई का हिसाब लगाएं तो तीन सहमाइयों में ऑलमोस्ट 100 से ऊपर ड्रामास हैं. इनमें से अगर आप नॉमिनेशंस में आ रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है. आप कितने ज़बरदस्त फिर अदाकार, फनकार और जो हमारे डायरेक्टर्स हैं आप सब लोग हैं कि आपको नॉमिनेशंस में हम लोगों ने सेलेक्ट किया. और नादिया आप क्या कहेंगे, ये आई थिंक वाहिद अवार्ड है जो हम लोग करने वाले हैं जो बिल्कुल अनबायस्ड है, इसमें कोई पीआर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है. बिल्कुल, जिसमें रिजल्ट्स आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक डेटा. जो हमने पूरे साल नंबर्स दिए हैं वो नंबर्स जब कंपाइल हुए हैं तो नॉमिनेशंस बनी, नॉमिनेशंस के बाद विनर्स बने. इजी, उसमें हमारा किसी इंसान का कोई अमल दखल नहीं है. ये तीका ऑटो साहिबा का आइडिया था कि हम जब एक साल मुकम्मल हो जाएगा तो हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि वहाँ पर डाटा बड़ा एक्सक्लूसिव किस्म का इकट्ठा हो गया होगा और वो इकट्ठा हो चुका है और नॉमिनेशंस हमारी आने वाली हैं. अब ये तो हो गया कि भाई नॉमिनेशंस आज रिवील होने वाली हैं, लेकिन ये नॉमिनेशंस रिवील होंगी तो ये ड्रामा आइकॉन अवार्ड है क्या, ये तो बताएं थोड़ा सा इसमें क्या होने वाला है. मुझे क्या पता, मुझे खुद बहुत सारी बातें नहीं पता. हमने कंपाइल किया तीन कैटेगरीज में सारी चीजें. एक मिनी सीरीज की अलग हमने कैटेगरी बनाई है, क्रिटिक्स की अलग कैटेगरी है और पॉपुलर की अलग कैटेगरी है. यानी कि जो हमारे जजेस यहाँ पर नंबर देते थे उनको हमने अलग से उसको जमा किया है, कंपाइल किया है. और जो पॉपुलर के थे जो यानी कि जो आप लोग वोटिंग करते थे उनका अलग रिजल्ट बना है. तो बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग किस्म की जो है, बहुत एंटरटेनिंग. और देखिए बहुत सीरियस बिजनेस है अवार्ड्स देना. लोग इतनी मेहनत करते हैं महीनों, उसके बाद फिर उनको अप्रिशिएट करना, ऑथेंटिक सही जेन्युइन अवार्ड मिलना बहुत जरूरी बहुत, है. बहुत जरूरी. तो घिसे पिटे अवार्ड्स नहीं होंगे, दिस विल बी अ डिफरेंट नाइट. हाँ जी, तो जी सबसे पहले जिस जिनकी तरफ हम चलेंगे क्योंकि टाइम कम है, नॉमिनेशंस बहुत सारी हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं और हमारे एक्साइटमेंट का लेवल भी तो बहुत ज़्यादा है. और नादिया वो ट्रॉफी पे तो सितारे तीन ही थे, बाकी सितारे नादिया के ऊपर हैं, वो मैं मेंशन करना भूल गया. ये यहाँ मैं क्लोजअप में आपको दिखाती हूँ. एक मैंने कैमरा यहाँ पे लगवाना है सिर्फ नादिया के स्टार क्लोजअप करने के लिए. आपको कैसे लगे ये आप जरूर कमेंट से बताएगा. लेकिन स्टार अवार्ड, स्टार अवार्ड. तो अब जी चलते हैं फर्स्ट ड्रामा आइकॉन अवार्ड 2023 की फर्स्ट नॉमिनेशन. और नॉमिनेशंस है जी बेस्ट राइटर मिनी सीरीज. नॉमिनीज फॉर द बेस्ट राइटर मिनी सीरीज आर अदील रज़ाक फॉर सरेरा, मोहसिन अली फॉर गुना, फाइजा इफ्तिखार फॉर एक थी लैला, निम्रा जमील एंड वरीशा फातिमा फॉर हम दोनों, मोहसिन अली फॉर रजिया. तो नादिया कैसा, कौन लग रहा है आपको? डोंट आस्क मी, सारे मेरे बड़े फेवरेट हैं. बहुत मुश्किल है. और यकीन माने मिनी सीरीज का जो ये एक ट्रेंड शुरू हुआ है, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, क्योंकि आपको इतना अच्छा कंटेंट देखने को मिलता है. फालतू में ये लंबे नहीं किए जा रहे होते ड्रामे, फ्लैशबैक्स नहीं है, कोई चीज नहीं है, टू द पॉइंट बात है और टॉपिक्स बड़े मजे के हैं. तो जिन लोगों ने लिखे हैं वो भी कमाल के हैं. तो ये छह लोग जो है नॉमिनेट हैं. अब नेक्स्ट कैटेगरी डायरेक्शन की. नॉमिनीज फॉर द बेस्ट डायरेक्टर मिनी सीरीज आर यासिर हुसैन फॉर एक थी लैला, अहमद भट्टी फॉर सरेरा, महरीन जब्बार फॉर जुर्म, अदनान सरवर फॉर गुना, मोहसिन अली फॉर रजिया. वैसे आपको मजा क्या आ रहा था देख के ज्यादा? जब मैंने सरेरा देखा ना तो मैंने कहा इससे बेहतर तो कोई मिनी सीरीज बन ही नहीं सकती. बट रजिया आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, दैट वॉज अ सरप्राइज ऑनेस्टली. एंड स्टार्ट से लेके फिनिश तक इट वॉज अ विनर फॉर मी. अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग. लेकिन अब ये तो रिजल्ट अनाउंस होंगे तो पता चलेगा. अब जी बात कर ली जाए नेक्स्ट कैटेगरी की जो कि है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस. नॉमिनीज फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिनी सीरीज आर माहम आमिर फॉर एक थी लैला, माहिरा खान फॉर रजिया, सुनीता मार्शल फॉर सरेरा,
सैयदा उम्मे लैला फॉर रजिया, हरीम फारूक फॉर सरे रा, सबूर अली फॉर सरे रा। टफ, वेरी वेरी टफ, बट मेरे हिसाब से सभी विनर्स हैं। सभी विनर्स हैं। और सरे रा की बात की जाए, एक थी लैला की बात की जाए, रजिया की बात की जाए, कमाल 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 परफॉर्मेंस है। और एक एक सीरीज से दो दो तीन तीन एक्ट्रेसेस जो हैं वो नॉमिनेटेड, क्योंकि सबका रोल इतना पावरफुल था। True. ये बहुत ही कम ऐसे ड्रामे होते हैं जिस तरह से लिखे जाएं कि सब आर्टिस्ट जो हैं उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन हो सके प्रॉपर आपके करेक्टर की और लाइन्स की और परफॉर्मेंस की और परफॉर्मेंस के मार्जिन की। तो जी अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो कि है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। Nominees for the Best Supporting Actor Miniseries are Mikhail Zulfikar for Sare Ra, Nabeel Zafar for Sare Ra, Faisal Qureshi for Ek Thi Laila, Saad Farrukh Khan for Ek Thi Laila, Hashir Faraz for Razia. छोटा मनु याद है आपको? हाँ, वो भी नॉमिनेट हुए। मैं लेकिन चाह रही हूँ कि फैसल को मिल जाए, क्योंकि नेक्स्ट जब हमारे अवार्ड्स होंगे उसमें फैसल सिर्फ एक कैटेगरी में नॉमिनेट होंगे और वो होंगे बेस्ट विलन ऑफ 2023। तो इसलिए इसको जिता दो। कुछ कर लो या एक ट्रॉफी तो दे ही दो। अवार्ड देना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमने तो अपने नंबर्स दे दिए यहाँ पर, फिर हमारा ये सारा डाटा गया लाहौर में, वहाँ पर बैठे हुए कुछ हजरात जो कि कंप्यूटर से बैठे हुए और वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद बहुत अनबायस तरीके से जो है ये चीज़ वो हो जाएगी। नॉर्मली अवार्ड शो में तो ये होता है ना कि फलाना अवार्ड लेने आएगा तो उसको अवार्ड दे देंगे। हाँ। यहाँ पर ये कुछ नहीं, आप आ रहे हैं नहीं आ रहे, अवार्ड अनाउंस हो रहे हैं। बिल्कुल आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। नाइस। अब चलते हैं जी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो कि है बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल मिनी सीरीज। नॉमिनीज फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल मिनी सीरीज आर सबा कमर फॉर गुना, नाजली सुमरो फॉर सरेरा, मुहिब मिर्जा फॉर रजिया, काशिफ हुसैन फॉर रजिया, जवेरिया सऊद फॉर सरे रा। नादिया क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन है बेस्ट परफॉर्मिंग नेगेटिव रोल मिनी सीरीज में। मतलब हमारे यहाँ जो खवातीन है टक्कर पे हैं लड़कों के इन नेगेटिव रोल की कैटेगरी में, कि लड़कियों ने इतने कमाल नेगेटिव रोल किए हैं। सबा इज देयर, जवेरिया इज देयर, तो अमेजिंग, तो बड़ा टफ। नाज़ली सुमरो इज देयर जो कि सरेरा से थी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो कि है बेस्ट एक्ट्रेस। नॉमिनीज फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस मिनी सीरीज आर सबा कमर फॉर सरेरा, शहीरा जलील अल बासित फॉर रजिया, मोमल शेख फॉर रजिया, इकरा अजीज फॉर एक थी लैला, राबिया भट्ट फॉर गुना। क्या जबरदस्त नॉमिनेशन है इस साल की, और यकीन मानिए सारे डिजर्विंग। आप सोच नहीं सकते कि इनमें से व्हाट अ टफ। इसमें सीजन्ड एक्ट्रेसेस भी हैं, न्यू कमर भी हैं, तो बहुत टफ कॉम्पिटिशन है। क्या क्या परफॉर्मेंस है, नया टैलेंट तो इस साल ऐसा सॉलिड आया है ना। नेगेटिव अभी जो मेन ड्रामाज में भी जो मेल है कितने खौफनाक थे भाई। तो अब कमाल ईयर रहा है हमारी इंडस्ट्री के लिए इन फॉर्म ऑफ टैलेंट, ड्रामाज, एक्सेप्शनल कुछ ड्रामाज जो है ना वो चैनल्स ने दिए। देखें कौन लेके जाता है अवार्ड, ये आपको पता चलेगा हमारे फाइनल एपिसोड में जो कि अगले हफ्ते हमारा जो अवार्ड शो है उसमें। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो कि है बेस्ट एक्टर मिनी सीरीज। Nominees for the Best Actor Mini Series are Yasir Hussain for Ek Thi Laila, Muneeb Butt for Sare Ra, Sarmat Sultan Khusat for Gunah, Kaleem Ghori for Razia, Ehsan Khan for Hum Dono. तो नादिया इसमें क्या लग रहा है, यासिर हुसैन बाजी लेके जाएंगे, मुनीब बट लेके जाएंगे, सरमद सुल्तान खुसर लेके जाएंगे गुना से, आपका और हमारा फेवरेट मन्नू कलीम गौरी जो है वो नॉमिनेट हुआ है बेस्ट एक्टर मिनी सीरीज में, और एहसन खान तो फिर हमारे स्टार हैं ही। सारे बहुत अमेजिंग है। मन्नू ये एक सॉफ्ट कॉर्नर है क्योंकि न्यू एक्टर है, और इतना मजे का रोल और अपीयरेंस थी कि वो उसने दिल बहुत भाई जीत लिया। तो जी अब सबसे अहम मुद्दे की तरफ चलते हैं जो कि है बेस्ट ड्रामा मिनी सीरीज। नॉमिनेशंस हैं ये। नॉमिनीज फॉर द बेस्ट ड्रामा मिनी सीरीज आर
सरे राह ऑन ARY डिजिटल नेटवर्क। एक थी लैला ऑन एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट। रजिया ऑन एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट। गुना ऑन एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट। जर्म ऑन जियो एंटरटेनमेंट। बहुत ही कमाल ड्रामे, मुकाबला बहुत ही सख्त है और रिवील होगा अवार्ड्स वाली नाइट ही कि बेस्ट ड्रामा कौन सा होगा। तो जी ये मिनी सीरीज की जो नॉमिनेशंस थी कंप्लीट हुई। तो जी अभी चलते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स की नॉमिनेशन है वो हम आपको बताएंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं फर्स्ट ड्रामा आइकॉन अवार्ड 2023 की नॉमिनेशंस के स्पेशल शो से, यानी कि इसमें हम नॉमिनेशंस रिवील कर रहे हैं और बताता चलूँ कि इनका स्लोगन है, यानी इस ये जो अवार्ड शो है अनबायस ऑथेंटिक एंड एक्सेप्शनल। क्यों है उनादिया आप बताएंगे क्या खास बात है इन अवार्ड शो? क्योंकि सारे स्टार्स होंगे एक ही जगह पर। तो फिर अब बात कर लीजिए क्रिटिक्स की, क्रिटिक्स खुश होते तो नंबर किसको दिए उन्होंने, तो नॉमिनेशंस पे चलते हैं। तो सबसे पहले राइटिंग की नॉमिनेशंस हैं, आइए देखते हैं कि वो कौन सी हैं। नॉमिनीज फॉर द बेस्ट राइटर क्रिटिक्स आर अवैस अहमद फॉर जीवन नगर, जफर मेराज फॉर काबुली पुलाव, असमा नबी फॉर पिंजरा, कुर्बान अली राव फॉर जिंदो, अमर खान फॉर हीर द हीरो, उमेरा अहमद फॉर जन्नत से आगे। तो जी ये था बेस्ट राइटर क्रिटिक्स की नॉमिनेशंस आपके सामने। अब बेस्ट डायरेक्टर क्रिटिक्स कौन है, आइए नॉमिनेशंस देखते हैं। नॉमिनीज फॉर द बेस्ट डायरेक्टर क्रिटिक्स आर अंजुम शहजाद फॉर जिंदो, काशिफ निसार फॉर काबली पुलाव, सैफी हसन फॉर झोंक सरकार, हसीब हसन फॉर जन्नत से आगे, साइमा वसीम फॉर हीर द हीरो, साकिब खान फॉर फ्रॉड। वाह वाह नादिया क्या नाम है जी। काशिफ निसार हैं इसमें, सैफी हसन हैं, हसीब हसन है, साइमा वसीम है, साकिब खान है और अंजुम शहजाद हैं। और मुझे लगता है सबसे बड़ा अवार्ड है ही डायरेक्टर के लिए जिसने इतना बड़ा स्टैंड लिया कि नहीं मुझे ड्राइंग रूम और बेडरूम से निकल के जाना है फील्ड में, आउटडोर जिसको अवॉइड किया जाता है हमारे यहाँ ड्रामाज में। अगर ये आप देखें जो नॉमिनेट हुए हैं ड्रामाज, ये 90% इज़ आउटडोर एंड ऑन स्पेशल लोकेशंस, गर्मियों में, रेगिस्तान में, तपती हुई गर्मी में, और डायरेक्टर और आर्टिस्ट सब ने वहाँ बड़ा ज़बरदस्त काम किया। तो ये दे ऑल डिजर्व एन अवार्ड, इनके तो क्लैप होनी चाहिए क्योंकि ये डिफरेंट काम कर रहे हैं और उन प्रोडक्शन हाउसेस के लिए भी जो ऐसे डिफरेंट कामों को प्रमोट कर रहे हैं, स्पेशली ग्रीन चैनल ने SHA में जिंदो भी दिया, काबली पलाव दिया, जीवन नगर दिया जो कि हटके है, लेकिन हमने झोंक सरकार भी दिया और सैफी हसन की बड़ी काविश थी उसमें, बड़ा जबरदस्त लगा उनका ये वाला काम देख के। ये फैक्ट है कि इस साल पाकिस्तानी ड्रामे की स्क्रीन बदल गई, बेस्ट एक्सपेरिमेंटेशन आफ्टर मेनी मेनी इयर्स। और आप जी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं जो कि है नॉमिनीज फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल। क्रिटिक्स आर उस्मान जावेद फॉर झोंक सरकार, गौहर रशीद फॉर जिंदो, साकिब समी फॉर काबुली पुलाव, नजरुल हसन फॉर जिंदो, सैयद जिब्रान फॉर नीम, अतीका ओढो फॉर मेरी शहजादी। नॉमिनेशंस में वैसे कोई भी हो विनर्स तो जजेस ही होंगे और मुकर्रम होगा
बेस्ट नेगेटिव रोल मैं बिल्कुल नहीं। देखिए ये तो मुझे पता है कि मैं तो हमेशा, मुझे तो रुबीना आपा कहते हैं तुम तो एक डिफेंस अटर्नी बन गए हो, मैं तो हमेशा डिफेंस कर रहा हूं, तो मैं तो आई एम द मोस्ट पॉजिटिव सोल राइट नाउ। तो तीन अवार्ड्स तो जजेस के हो गए नेगेटिव रोल व्हेन द विनर इज द जजेस। लेकिन फिर भी ये भी मिक्स बहुत अच्छा है, ये भी ठीक है, ये भी सही है। मतलब उस्मान जावेद, अगर आपने, आपको याद हो जो जोक सरकार में मीरल छोटा वाला था ना, क्या कमाल की परफॉर्मेंस है, इज अ न्यू टैलेंट, व्हाट अ परफॉर्मर, वेरी वेरी जबरदस्त। और हमारे जो हमारे शो था उसे बहुत अच्छे नंबर भी ले गए। गौहर रशीद जिंदो से, क्या टेरर था, कमाल का टेरर था जब वो इंटर होते थे। साकिब समीर, अरे ये सारे मेरे बड़े फेवरेट हैं यार, क्या होगा साकिब, साकिब को तो मल्टीपल भाई, जितना उसने आई थिंक वेरिएशन रोल्स में और सबसे ज़्यादा ड्रामों में नजर ही साकिब आए। साकिब के ज़्यादा नॉमिनेशन होंगे, एक अवार्ड इसका भी होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन आई थिंक साकिब, साकिब है ना? साकिब का तो बहुत ही टफ, हर जगह पे वो मौजूद थे, हर ड्रामे में वो थे ना। हम जो ड्रामा देखें, अब बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि हमसे पांच ड्रामे उठाते हैं जो सबसे टॉप पे जा रहे हैं और हर ड्रामे में साकिब होते थे, तो इसका मतलब है सबसे अच्छे ड्रामों में कास्ट साकिब समीर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नजरुल हसन जिंदो में, उनकी वॉक याद है नजर, पगड़ी और फिर जैसे उछल के बैठते थे वो चीजों में और उतरते थे गाड़ी से, डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्केरी विलन, बहुत आइकॉनिक, मजेदार, आइकॉनिक, लिटरली आइकॉनिक। यानी कि अगर पाकिस्तान में तो हैलोवीन नहीं होती, लोग हैलोवीन पे नजर बनते हैं, है ना, इतना कैरेक्टर था उसका। गेटअप ऐसा है कि आप उसको कॉपी करके कहीं जा सकते हैं बकायदा, वेरी नाइस। और फिर सैयद जिब्रान नीम से, वेरी स्केरी, कमाल। और फिर हमारी अतीका ओडो मेरी शहजादी से, वेरी विटी, वेरी क्या कहेंगे, बहुत ही उन्होंने तड़पा के रख दिया था उसमें जालिम जालिम थी लेकिन बहुत प्यार से जालिम थी। तो ये अब इनमें कौन विनर करार पाता है, इसके लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे तो हमारे पास बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और बेस्ट ड्रामे का क्रिटिक्स नॉमिनेशन होंगी। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं नॉमिनेशंस में जो कि रिवील हो रही हैं इस वक्त। फर्स्ट ड्रामा आइकॉन अवार्ड 2023 की अनबायस ऑथेंटिक एक्सेप्शनल। नादिया, आपको ओवरऑल थीम और टाइटल वगैरह कैसा लग रहा है? ब्यूटीफुल, बिल्कुल मेरे ड्रेस की तरह, ब्लैक एंड गोल्ड। अच्छा, आप ब्लैक एंड गोल्ड पहन रही हैं? हाँ जी, मैं, बहुत ज़रूरी होता है कि जो होस्ट हैं उनके गाउन्स बहुत स्पेशल हों, उनके ड्रेसेस बहुत स्पेशल हों। तो मेरा भी एक महीने से इसी पे ही फोकस है, सारे काम मैंने छोड़ दिए मैं ड्रेस पे सिर्फ फोकस कर रही हूँ। तो ब्लैक एंड गोल्ड, बच्चों ने खाना खाया नहीं खाया, चलो दबा हो जाओ, मेरा ड्रेस पे फोकस है। हाँ, हटो, मैं अभी इधर फोकस हूँ, ज्वेलरी, हेयर स्टाइल, बहुत काम है। और देखिए ना, मतलब इतने सारे स्टार्स होंगे उस इवेंट पे, तो मुकाबला सख्त होगा, हमारी लुक्स का भी मुकाबला सख्त है। और अभी तो एपिसोड चलेगी लेकिन हम अब रिवील करेंगे अपनी ट्रॉफी भी, और ट्रॉफी डिज़ाइन की है बड़े ही खास शख्सियत ने, नादिया। किसने? अली खान ने, जिन्होंने हमारे सेट डिज़ाइन किया था, उन्हें ट्रॉफी डिज़ाइन की है, जो आपको ट्रॉफी से नज़र आ भी रही होगी। अभी फाइनल होके वो पहुँचेगी तो उसकी भी हम, उसको भी रिवील करेंगे कैसी है, बड़ी ही खास, और मेरे नहीं ख्याल ऐसी ट्रॉफी अभी तक है। अब चलते हैं ड्रामों की तरफ। अब जिस कैटेगरी की मैं बात करूँगा वो है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस क्रिटिक्स और नॉमिनेशन हैं। Nominees for the Best Supporting Actress Critics are Naeema Bhatt for Jindo, Asma Abbas for Fraud, Vaneeza Ahmed for Kuch Ankahi, Maham Shahid for Jhok Sarkar, Nadia Afghan for Kabli Pulao. तो जी, नईमा बट भी हैं इसमें, अस्मा अब्बास भी हैं और वनीजा अहमद, माहम शाहिद, नादिया अफगन। और इसमें दो कैरेक्टर मैं मेंशन करना चाहूँगा, माहम शाहिद का स्पेशली, क्योंकि उनका फर्स्ट प्ले था ये, कॉलेज गेट उन्होंने किया और शायद ये किया, लेकिन उनकी प्रेजेंस थी। और हम नादिया, आपको याद है सेट पे देखा, कौन लड़की है ये, किसका ये नूरी का कैरेक्टर किसने किया, हमने फौरन बहुत बहुत अमेजिंग, और नईमा ने भी इम्पैक्ट। और मैं इसलिए, मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट ये कैटेगरी लगती है और इसमें आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक ड्रामे में हीरोइन तो मोस्टली एक ही होती है,
सपोर्टिंग में बहुत सारे लोग होते हैं तो वहाँ पे मुकाबला ज्यादा सख्त हो जाता है क्योंकि लोग ज्यादा हैं और आपने अपने आप को मनवाना है और आपने स्टैंड आउट करना है। और भी सपोर्टिंग एक्ट्रेसेस थी उसमें, बहुत सी, और बाकी ड्रामों में भी। और फिर अगर आप वो पूरे साल के 100 से ज्यादा ड्रामे दिखा सोचे तो कितने होंगे, उनमें से अगर ये 5 लोग जो है नॉमिनेट हैं तो बहुत ही कमाल की बात है। सारे विनर जो हैं, दे आर ऑलरेडी विनर्स, प्लीज ये जरूर समझें। अब उसमें से किसी एक को जो ट्रॉफी जाएगी वो एक मजबूरी तो है। मैं अभी नादिया से पूछूं तो उन्होंने ये कहना कि भाई मुझे नहीं पता, मेरे तो सब विनर हैं, जैसे कि नादिया अफगान भी हैं काबिल पलाव से, माहम शाहिद अमेजिंग, नाम नहीं काफी है, नाम में कुछ है तो हाँ, ये आधा तो वहाँ टैलेंट आ जाता है ना नाम से। अस्मा अब्बास है, और अस्मा अब्बास से फ्रॉड ड्रामा में तस्करा करना चाहूंगा। नॉर्मली उनका कलंदर का देखें, कुछ अनकही का देखें, या अभी जो ड्रामा है सुकून, उसमें एक तरह का करेक्टर है। फ्रॉड में उनका बड़ा डिफरेंट करेक्टर था, वो बड़े अलग तरीके से, वो एक हाई एंड आंटी बनी हुई थी और फ्रॉड पे फ्रॉड कर रही थी अपने सौतेले बेटे के साथ, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा था। तो ये नॉमिनेशंस हैं। अब चलते हैं जी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर क्रिटिक्स की तरफ और नॉमिनेशंस हैं। नॉमिनीज फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर क्रिटिक्स आर शामिल खान फॉर नौरोज, वसीम अब्बास फॉर हीर द हीरो, काशिफ महमूद फॉर कलंदर, अब्दुल्ला फरहतुल्ला फॉर काबली पुलाव, बाबर अली फॉर कुछ अनकही। तो नादिया, इनमें कौन सा आपका फेवरेट है, क्या कमाल की परफॉर्मेंसेस हैं? अच्छा, इसमें कुछ जैसे बाबर, उनके सीन्स बहुत कम थे लेकिन इतना इम्पैक्ट, इतने अच्छे सीन्स थे कि वी वांटेड मोर। आपको याद है अस्मा अब्बास के साथ उनका सीन था? तो बहुत अच्छी इनकी सबकी शामिल की, वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, वेरी डिफिकल्ट अगर देखा जाए तो, बहुत बहुत डिमांडिंग रोल था। अब्दुल्ला वाज आई थिंक अ विनर एवरी टाइम, जब भी हमने बारात किए हैं बारान को, बारान वाज अ विनर एवरी टाइम काबली पुलाव। फिर मुझे काशिफ का अगर कॉमेडी की बात करें तो ही वाज अमेजिंग, उनकी जो कॉम्बिनेशन था अस्मा अब्बास के साथ और जो बातें होती थी और फिर और जब जब बेटा बेइज्जत करता था तो उनके जो एक्सप्रेशन आते थे, और फिर एक एक दफा नादिया ने खड़े होकर तालियां बजवाई थी वसीम अब्बास, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेरी वेल डिजर्व्ड, बहुत अच्छा, बड़ा उन्होंने वो डिफरेंट तरह से हमें हंसा रहे थे। मैंने कहा ये कितने मजे का, इनकी लाइंस और कहने का अंदाज वाज सो गुड, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडीज, हमें बहुत अच्छी लाइंस और डिफरेंट कॉमेडी, जेन्युइन कॉमेडी मिल गया ये जो अमर खान ने स्क्रिप्ट लिखा, बहुत अमर खान जबरदस्त। तो जी अब बात कर लीजिए नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि है नॉमिनीज फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस। क्रिटिक्स आर मावरा हुसैन फॉर नौरोज, अमर खान फॉर हीर द हीरो, यमुना जैदी फॉर बख्तावर, रमशा खान फॉर जन्नत से आगे, सबीना फारूक फॉर काबली पुलाव, सजल अली फॉर कुछ अनकही। ये जो क्रिटिक अवार्ड्स हैं, इसमें जो नॉमिनेशंस हैं, ये नॉमिनीज वो हैं जिनकी परफॉर्मेंस रिजल्ट्स किसी भी हफ्ते फ्लक्चुएट नहीं रहे, वो ऊपर ही रहे थ्रू आउट पॉपुलर में हैं, ऊपर नीचे उसमें, फिर लोगों के इतने वोट्स आते थे कि वो जीत जाते थे, हमारे कम भी हों वो जीत जाते थे। तो इसलिए दो कैटेगरीज बहुत जरूरी हैं, क्रिटिक्स एंड पॉपुलर अवार्ड्स। तो इसमें जैसे मैंने कहा बख्तावर में यमुना की बहुत कमाल की एक्टिंग थी, बहुत एक ऐसा करेक्टर था जो मुझे पता है कि बहुत सारी लड़कियों को पहले ऑफर हुआ लेकिन उन्होंने करने से इनकार कर दिया क्योंकि कोई इतना नॉन ग्लैमर ग्लैमरस रोल नहीं करना चाहता, हमेशा सबको ग्लैमर डॉल बनना होता है। तो यमुना ने उस जगह पर रहते हुए जहाँ पे इस वक्त वो अपनी पीक पे है अपने करियर की, उन्होंने एक ऐसा रोल चूज किया, बड़ी बात, और क्या परफॉर्मेंस दी। और फिर एक नाम हम कैसे बोल सकते हैं, मावरा, बहुत अमेजिंग, वो भी फर्स्ट टाइम, ये इसमें इनमें मेकअप ग्लैमर बाकी इन चीज़ों से हटके सिर्फ परफॉर्मेंस पे जोर था, उन लड़कियों ने कमाल कर दिया। फिर रमशा खान जन्नत से आगे, ओ वो तो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल ऑफ क्रेजीनेस, ऑब्सेशन, पागलपन, और बड़ा अच्छा, सब ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया ड्रामे। फिर बारबीना कैसे भूल सकते हैं, बारबीना होगी अवार्ड्स पे, मेरा सवाल ये है, ऐसे किसी सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है, ये सब सरप्राइज होगा लेकिन आपके फेवरेट स्टार्स उस रात होंगे वहाँ स्पेशल ड्रामा आइकॉन अवार्ड जो फर्स्ट एवर टाइम हो रहे हैं, उसमें आपके फेवरेट स्टार्स वहाँ होंगे अपना अवार्ड रिसीव करने। अब बात कर ले जाए बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स। नॉमिनीज फॉर द बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स आर सुहेल अहमद फॉर जीवन नगर,
जाहिद अहमद फॉर मेरे बन जाओ, अली रहमान फॉर गुरु, मोहम्मद एहतशामुद्दीन फॉर काबली पुलाव, वहाज अली फॉर तेरे बिन, इमरान अशरफ फॉर हीर द हीरो, वेरी डिफिकल्ट टू चूज ऑनेस्टली क्योंकि सबने इतना कमाल काम किया है, माय फेवरेट्स ऑल ऑफ देम। जीवन अगर उनके बारे में, सुहेल साहब के बारे में क्या कहेंगे? तो वो तो उससे आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, उनको तो उनके साथ किसी को नॉमिनेट करना इटसेल्फ ये बड़ी अजीब बात है, बड़ा मुश्किल है। मोहम्मद एहतशामुद्दीन हाजी साहब, ओह हो, हमारे फेवरेट, हमारे चॉकलेट हीरो, द न्यू चॉकलेट हीरो, द नेशंस फेवरेट हाजी साहब, यानी कि मोहम्मद एहतशामुद्दीन है। और फिर एक और फेवरेट हीरो वहाज अली, तेरे बिन से। ये तो बड़ा ही बहुत टफ होगा आई थिंक इसमें से विनर, आई हैव नो आइडिया, ये तो रिजल्ट्स ही बताएंगे, हमने तो सिर्फ नॉमिनेट किया है। सुहेल अहमद ने बिल्कुल एक डिफरेंट रोल किया नॉर्मल ड्रामों से हटके, अली रहमान ने बिल्कुल डिफरेंट किया, जाहिद अहमद ने बिल्कुल एक अलग ही चीज़, और इमरान अशरफ ने और एहतशाम साहब ने, मतलब ये कितना ट्रेंड सेटर्स हैं, ट्रेंड सेटर है। और ये बड़ा अच्छी बात है कि इस तरह के ड्रामे बनने के, हर एक में कुछ ना कुछ देखने का मौका मिल रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो कि है Nominees for the Best Drama Serial. Critics are Jindo on Green Entertainment, Bakhtawar on Hum TV Network, Kabuli Pulao on Green Entertainment, Jhok Sarkar on Hum TV Network, Pinjra on ARY Digital Network, जन्नत से आगे ऑन जियो एंटरटेनमेंट। तो नादिया क्या कहेंगे नॉमिनेशंस के बारे में? मुझे तो लगता है ये सिर्फ डायरेक्टर का मुकाबला नहीं, ये तो चैनल का मुकाबला है, ये तो चैनल्स का, प्रोडक्शन हाउसेस का मुकाबला। इस पे तो चैनल्स वाले ना ऐसे करके बैठे नाखून खा रहे होंगे कि भाई ये कौन किसको मिलेगा अवार्ड। तो दिस इज आई थिंक अ वेरी बिग कैटेगरी, बहुत इसके जो भी विनर होगा। और मैं आपको बताऊं, क्रिटिक्स ने ये चूज़ किए हैं 5 ड्रामे और 6 ड्रामे बेहतरीन, किस वजह से? एक तो बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का, इन सब का अगर आप देखेंगे तो ये सास बहू वाले ड्रामे नहीं थे। आप बख्तावर की बात करें, जिंदो की बात करें, काबली पुलाव की बात करें, झोंक सरकार की बात करें, पिंजरा, जन्नत से आगे, सभी डिफरेंट टॉपिक्स पे थे। और ऐसे शोज़ ड्रामे बनना ज़रूरी है, और इसीलिए क्रिटिक्स को पसंद भी आ रहे हैं। और ये भी बात है, क्रिटिक्स ने तो पसंद किया ही, ये सक्सेसफुल भी हुए हैं, ये सारे ड्रामे कमर्शियली सक्सेसफुल थे ये बिल्कुल। और क्या मतलब जिंदो में आप देखें, और मैं इन चैनल्स को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, चाहे वो ग्रीन एंटरटेनमेंट है, हम टीवी है, ARY है, जियो है, सब ने अपने अपने तरीके से ऐसे ड्रामों को प्रमोट किया जो ज़रा हटके थे, और इसीलिए ये ड्रामे सेलेक्ट भी हुए। और ये जो हम सुनते आ रहे हैं ना कि जी लोग देखना चाहते हैं सास बहू ड्रामा सब, ये उस चीज़ को ये तोड़ता है, उस ट्रेंड को, कि नहीं ऐसा नहीं है, लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, इंटेलिजेंट अच्छा कंटेंट भी देखना चाहते हैं। बिल्कुल, हमारी ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है। तो जी ये तो हमारा आज का जो एपिसोड है, यानी कि 99 एपिसोड जो हैं आज हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, यानी कि जब आप टीवी पे यूट्यूब पे शो देख रहे होंगे तो 99 एपिसोड होगी ना। देखें माय गॉड, मैं कब आई थी? आप आई थी तकरीबन तकरीबन आप 34-35 पे आ गई थी, आ गई थी, 60-70 हो चुकी हैं आपकी। ओह माशाल्लाह, मेरी भी आज सालगिरह होगी, काफी बड़ी बड़ी हो गई, गोल्डन जुबली हो चुकी, मेरी बड़ी हो गई आज। तो ये थी हमारा आज का शो था, डिफरेंट शो था, बिकॉज हमने आपको बताया कि अगले हफ्ते जो है हमारे फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हैं, 23rd, 24th December और 30th, 31st December को हमारी स्पेशल एपिसोड्स आ रही हैं अवार्ड शोज की। 23rd और 24th को हम मिनी सीरीज़ और क्रिटिक्स की जो हमने नॉमिनेशन आज आपको बताई हैं उनके रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सेरेमनी में, जिसमें नादिया जो है भरपूर तरीके से तैयार होकर आने वाली हैं। और आपको पता है एक महीने से उस ड्रेस का सोच रही थी कि इन्होंने क्या पहनना है, तो वो तैयारियां भी होंगी, बहुत सारे हमारे, आपने नॉमिनेशन सुनी, आपको आइडिया हो रहा होगा कि कौन विनर हो सकता है, क्योंकि मुकाबला सख्त है, लेकिन असल रिजल्ट तो उसी दिन पता चलेंगे, क्योंकि अभी तक हमें भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। बट सेरेमनी बहुत ही कमाल की, बहुत ही क्लासी और बहुत ही एक्सेप्शनल होने वाली है, ये मैं ज़रूर आपको बता सकता हूँ। इस अब आप कुछ कहना चाहेंगी जाते जाते? नहीं। क्यों नहीं? बस मैं ये क्यों आप स्पीचलेस होगी नादिया? क्यों नहीं? मैं ऐसे में बहुत एक्साइटेड। डोंट गेट एक्साइटेड नादिया, लेट्स नॉट गेट एक्साइटेड, लेट्स नॉट गेट एक्साइटेड। मुझे ना लाइनों में अब डायलॉग्स में बात करने लगी हूँ, सोचने लगी हूँ क्या करूँ, बस आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस अमेजिंग इवनिंग। और मैं नर्वस भी हूँ
क्योंकि इतनी कैटेगरीज, इतना इतना कुछ होने वाला है, पता नहीं कैसे होगा, कहना कैसे होगा। जो सच्चे खरे अवार्ड्स होते हैं ना, ये बहुत मुश्किल होते हैं, बड़े स्ट्रेसफुल होते हैं, इसमें बड़ी मेहनत होती है ईमान से। तो जी, सच्चे खरे अवार्ड की नॉमिनेशन जो बाकी की रह गई, यानी कि कल हम रिवील करने वाले हैं आपके सामने पॉपुलर जो, यानी कि जो आप लोगों ने वोटिंग करके जिनको नॉमिनेशन तक पहुंचाया है, उनका उनकी रिवील करेंगे। इसके साथ ही नादिया खान मुकर्रम कलीम को एपिसोड नंबर 99 से दीजिए इजाजत। कल आपसे मिलेंगे एपिसोड नंबर 100 में, देखना भूलिएगा क्या ड्रामा है, क्या नहीं ड्रामा है। और देखिएगा जरूर ड्रामा आइकॉन अवार्ड्स, फर्स्ट ड्रामा आइकॉन अवार्ड्स, यस, बहुत जल्द।